बीजेपी जब से 2014 के बाद से आई है ना, तब से हमारे देश में दंगे बढ़ने बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। एक जगह दंगे बढ़े कहाँ हुआ था? एक मिनट में कहाँ था? हर एक जगह आज 2014 के बाद से ना कहाँ? एक मिनट, एक एक करके बात होगी। दंगा एक बार बताओ कहाँ हुआ? 2000 का जवाब दे, मेरी बात का जवाब दे, ये बता कि दंगे हुए? बता कि तो तेरे घर में बम पटा, तेरे घर में बम पटा, गलत नहीं बोल रहा मैं, तेरे घर में बम पटा के कहाँ दंगे हुए? दिल्ली में, दिल्ली में अभी हुए हैं। अभी दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। सरकार केजरीवाल, केजरीवाल क्या करता है? केजरीवाल के पुलिस, केजरीवाल के हाथ में है पुलिस। किसके हाथ में? क्या नाम है? अमित शाह के हाथ देश में, प्रदेश में किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। मेरी बात सुने, सबसे मेन चीज तो बीजेपी के आने के बाद सबसे पहले तू जैसे बोल रहा है ना, वैसे पहले नहीं बोल रहा था, अब बोल पा रहा है, अब बोल पा रहा है तू ना? तो पहले जो अगर ऐसे बोलता ना, इधर तेरा ऐसे हथकड़ी लगवा देना तेरा, ऐसे समझ गया? कहते गुलाम बनना चाह रहे हो तो हम दोबारा से गुलाम बनो, ठीक है? क्या नहीं करा बता, क्या नहीं करा? सबसे मेन चीज तो पूरा हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में आज तूती बोल रहा है उसकी। ओ नहीं, हाँ जैसे तू ताली बजा रहा ना, ऐसे अमेरिका के संसद में ऐसे बजती है, ऐसे बजती है, कदे नहीं सोच जाओ, ऐसे बजती है। लोग है ना पैर छूते हैं उसके। दूसरी बात, सबसे बड़ा काम, अगर पहले इंडिया वाले बाहर विदेश में जाते थे ना, इंडियन बेवकूफ, ये बदतमीज बोलते थे, आज क्या कहते हैं? इंडियन जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम, समझ गया भाई? काम क्या करा उसने? हमें जो बेनिफिट है, हमें क्या किया उन्होंने? 60 लाख की, अरे सुनो, अरे आप ये बताओ, सुनो अंकल, मैं एथिक्स में बात कर रहा हूँ, सुनो, अभी 60,244 वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की 3 साल में, फॉर्म कितना भरा? 50 लाख फॉर्म भरा। अब आप भी के बच्चे भी घूम रहे होंगे, मैं ले लूँ जॉब, मैं ले लूँ, बताओ कितना रोजगार मिला हमें, बताइए। जॉब निकलेगी तो मेरी बात, अरे मेरी बात सुने, तू तो हथेली पर सरसे मरी करना चाहो यार, बहन जो 60 साल से वो इतना लूट रहे थे, ये वो धीरे धीरे तो होगा यार, सुन ले मेरे भाई, मेरी बात सुने, अरे मेरी बात सुने, जब नया नया ब्याह हुआ ना, मान ले तेरा ही नया ब्याह हुआ, बालक होने में भी 9 महीने लग गए, समझ गया? कदम सोचता हूँ आंगा ला दिया अर्थ ने फिर, और उसमें भी एक आदमी बालक खराब हो जाए, अगर 9 साल हो गई, 9 साल हो गई, 9 साल उसमें भी बालक सतमा सा सुने, अरे उसमें भी, अरे मेरी तो सुन, ऐसे ऐसे बात नहीं हो पाएगी, नहीं 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 नहीं, एक एक करके बोलने दीजिए, मेरी सुन, मैं ये बता रहा हूँ, उसमें भी 6 महीने में मन मानना बालक खराब हो जा, समझ गया? न्यू नहीं आग, एकदम तू नहीं सोचा ऊंचाई पर मैंने नौकरी चाहिए, क्या पढ़ रहा तू? नहीं क्या पढ़ रहा? एजुकेशन, बालक नहीं, मोदी जी ने एजुकेशन, बीए ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, ये ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ बता, अरे तो ग्रेजुएशन कर, मैं बता रहा हूँ, मैं अंडर मैट्रिक हूँ, अंडर मैट्रिक मेहनत कर रखी है, तेरे से ज्यादा कमाता हूँ, कभी और फिर ऐसे कैसे कह रहा तू? रोजगार नहीं, रोजगार दुनिया भर का है, दुनिया भर का, तू मेरे कहना चाल सुने, 20 सुने, एक सुने, एक एक ही मिनट, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, बीजेपी ने इतना काम किया कि उसके कहीं पहले कार्यालय नहीं थे, जो दुकान में थे वो अब उसके बहुत बड़े बंगले बन गए, ये काम किया बीजेपी ने बस। वो कांग्रेसनर इटली में जाकर देख ले, अरे मेरी बात सुन, सुने कौन है? मेरी बात सुने, कांग्रेस ने क्या किया है 60 साल में? रुको, इटली में, अरे मेरी बात सुन, इटली में जाकर देख ले, इतने तेरे इंडिया में वह नहीं होंगे क्या आ रहा है होटल रेस्टोरेंट जितने जुगरिया, यहाँ मार्केट है ना, यहाँ ऐसी मार्केट इटली में है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसी की है, राहुल की। मेरी बात सुन, शुरू से ही वल्लभ भाई पटेल बनना था प्रधानमंत्री, लेकिन इन बहन जो ना एक वोट थी इसकी, सुन एक वोट थी, एक भी नहीं उसके, सुन मैं कह कहूँ तमीज बदतमीज नहीं हमारे उड़ाना, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात सुन, गाड़ी सुने, गाड़ी गाड़ी वाली, मैं कह कहूँ कौन है क्या राष्ट्रपिता? वो मैं ना मानता राष्ट्रपिता, मोदी को नहीं मानते, नहीं मानते मोदी को, चिल्लाओ के चिल्ला के बात नहीं करो, आराम से चल, मैं राष्ट्रपिता अपने बाप को मानता हूँ और किसी को नहीं,
किसी के मुद्दे से मत बैठेगी, सवाल सब मुद्दे से मत बैठेगी, किसको कौन वोट देगा ये सवाल हो रहा है। बात कर सुनो, तू राष्ट्रपिता की बात कर रहा है। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की अहमियत समझेगी तो हम कांग्रेस को वोट देंगे और ठोक के देंगे। ये कांग्रेस को वोट देंगे उनका मेरे कुछ और कह रहे हैं। सुनो, वेट, इतना चिल्लाने, सुनो, अरे सुनो, धीरे, आराम से रुको ना यार, धीरे, गुस्सा उठता है, मेरी बात सुनो, रुक, मेरी बात सुनो, ओए, आरएसएस वाली बात नहीं, मेरी बात सुन, पहले सच्चाई देखा करो, कहाँ देखी तूने, कहाँ देखी है यार, जितनी सुनिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी बात पे रहती है, बात सुन भाई, सुन, हमें सिर्फ मोदी चाहिए, जो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी तो चाहिएगा। मैं सनातनी हूँ भाई, सनातनी हूँ, सुने सनातनी है, अरे थम, बिजनेस के नाम पे जैसरी नाम नहीं कहते, आई बात सुन, हम यहाँ पूछते हैं, अब मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इंडिया की जो थिंकिंग है ना यहाँ के सर, इंडिया की जो थिंकिंग है ना, इन्हें लगता है जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हम बड़े बड़े सेक्टर में जॉब करें, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई बने, सर रिस्पेक्ट। अच्छा क्या, अच्छा आप कहाँ था, आपकी एजुकेशन क्या, एजुकेशन जी मेरी एजुकेशन हाई स्कूल है। हाई स्कूल में आप हाई प्रोफाइल जॉब कैसे मिल पाएगी? मैं बता रहा हूँ सर, आप खुद सोचिए सर, आप सुनिए सर, आप देखिए, अगर आप एजुकेटेड हो ना, ठीक है, अगर आपने अच्छी कॉलेज से एजुकेशन ली है, ठीक है, आपने अच्छी स्कूलिंग की है ना, तो जॉब की कमी नहीं है आपको। आपको पता है यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी जॉब है, बट आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अब आप 10th पास करने के बाद में क्या रिस्पेक्ट वाला आपको जॉब मिलेगी, आप ये बताइए। अच्छा मुझे 10th पास करने के बाद आपको कौन सी जॉब, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं पढ़े लिखे लोग जो रोजगार के लिए डोल रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं, वो चाह रहे हैं रिस्पेक्टेबल जॉब मिले जो हमारा सही से भरन की चिंता वो करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं, आप तो अपनी करिए ना। तो भाई जब मैं देश में नहीं रह रहा, नहीं उनकी आप अपनी बेसिक, आपको क्या चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, आपको सरकार से क्या संतुष्टि है वो बताइए। नहीं मुझे तो कोई संतुष्टि है नहीं मेरी सरकार से, तो क्या नहीं है वही तो पूछ रहे हैं, आप संतुष्ट हैं सरकार से कि नहीं? नहीं 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 मैं संतुष्ट नहीं है ना, तो वही पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं है, क्या क्या कमी है सरकार में आपकी नजर में? सरकार में बहुत सी कमी है, महंगाई तो है ही है, सुनो तेल पहले आता था 90 रुपए किलो, डबल कर दिया था, 200 कर दिया था, पेट्रोल 1990 में आता था 10 रुपए लीटर, अब 100 हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया, तो मतलब जैसे कि महंगाई दर तो क्या कहते हैं बढ़ी, और पैसा नहीं बढ़ा इंसान का, पैसा वो 500 रुपए कमा रहा है इंसान, वो उसकी वैल्यू क्या है, 50 रुपए की वैल्यू है। 1990 की जो आप बात कर रहे हो ना, उस समय जो गवर्नमेंट टीचर थे ना, आप उनसे पूछना कि उनकी 1990 में क्या सैलरी थी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, और अभी आप पूछना उनकी कितनी सैलरी है। सर जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, ठीक है, और सैलरी पैकेट भी धीरे सर, अरे सर आप बात ही नहीं समझ रहे हो सर, 1990 में जो प्लॉट आपने 10,000 का खरीदा होगा ना, अगर आप बेचने जाओगे तभी कितने का बेचोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ मेरी सैलरी 2006 में 6,000 रुपए थी, 6,500 रुपए, आज मेरी सैलरी 45,000 है, तो बताओ अगर पेट्रोल बढ़, सुनो और देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या बोलते हैं गाड़ी चलाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, सरकारी ड्राइवर हूँ, तो इस अब तुम यही लगा लो तो यार पेट्रोल पे अगर 50 रुपए बढ़ गए तो क्या हो गया, हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है ना, जब कमाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। सर जब आप टाइम पीरियड बढ़ेगा, मैं आपसे पूछ कह तो रहा हूँ, आपने जो प्लॉट सर जो सोचिएगा, जो 100 रुपए का नोट था, ठीक है, आगे 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 आगे, क्या नाम है आपका, नाम क्या है? समीर, मैं करेंसी बता रहा हूँ इंडिया की, आज वो जो सोदिया का नोट इंडिया में कितने में चल रहा है, 1300 में, आज 2600 में क्यों चल रहा है वो, क्यों करेंसी कहाँ गई, वो जीडीपी गिर रही है, ठीक है, पाकिस्तान के और नोट इंडिया के नोट लगा लो, पहले 2 रुपए था, आज क्या हो गया 1.5 रुपए हो गया। नहीं नहीं क्या 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 दोबारा मुझे बताएं, क्या बोले, करेंसी है ना इंडिया की डाउन कितनी हो रही है वो नहीं देख रहे हो आपने, साउथ की क्या बोले, सऊदीया की क्या बोली, सऊदीया का नोट दिनार, ठीक है, दिनार जो था वो 100 का महा का नोट इंडिया में
1300 में चल रहा था, आज 2600 में क्यों चल रहा है ये बताइए। पांच साल पहले में, पांच साल में इतना बदलाव कैसे बताइए भाई, पांच साल में इतना बदलाव कैसे सर। जब हम होता क्या है कि जब हम सारे लोग अब जाओ गा रुको ना, जो आप जीडीपी वगैरह आप जब करते हो ना, जैसे कि सरकार ने हम पे तरह तरह के टैक्स लगा के रखे हुए हैं, ठीक है ठीक है। जब हमारी टैक्स देने की बारी आती है तो चोरी करने वाले हम ही सब हैं। हम ईमानदारी से ना अपना इनकम टैक्स भरते हैं, आप समझो बात को। उसमें भी हम कहीं से अपने सीए से जुगाड़ लगा के ये करके वो करके खर्चे की कटौती करते 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 जब हमारे पास जब सरकार के पास पैसा, सर अंधभक्त कहाँ से आ गया, कहाँ से बात हो गई। अच्छा अच्छा जो हम सही बात, अच्छा क्यों क्यों अंधभक्त अंधभक्त है अंधभक्त क्यों है, चूतर का जांघिया फटता जाए लेकिन हम चुनाव जीतते जाए ईवीएम के बदौलत, ईवीएम के बदौलत हम चुनाव जीत जाते। आगे तो आइए, चुनाव में मेयर चुनाव में मुख्य न्यायाधीश ने क्यों नहीं दिया, अभी जजमेंट दे दिया ना, कहा उसको रोको क्यों, सामने 26-30 मत पत्र को उल्टा के सिग्नेचर कर दिया, ये चुनाव जीतने वाली पार्टी है केवल सरकार बहन। अच्छा, दिल्ली में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, तेलंगाना में चुनाव नहीं था तो बंगाल में अपने बीजेपी ने अपने सारे नेता वहाँ लगा के नहीं रखे होते, इतनी मेहनत सबकी सेटिंग है तो वहाँ सेटिंग क्यों नहीं बन रही है हमारी। अरे तो बंगाल में सेटिंग क्यों नहीं बनी, दिल्ली में क्यों नहीं बनी, वहाँ बंगाल में सेटिंग, इसलिए जो वहाँ दिए 100 आदमी में 5 को ईमानदार घोषित कर देते हैं और 5 को बेईमान घोषित कर देते हैं। बोलिए मेरे कहने का मतलब, जो ईवीएम जो है ना, ईवीएम से फेयर चुनाव नहीं हो सकता है। क्या बोला, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुने एक मिनट सुनने दीजिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं। ईवीएम से फेयर चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम से फेयर चुनाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितने लोग सहमत, तो भैया तो इसके लिए आप जाइए इलेक्शन कमीशन को मेल करिए, उनको पत्र लिखिए जाके, उसमें इलेक्शन कमीशन सुन लिए इसने बीजेपी पार्टी कहाँ से आ गई सर, तो पार्टी आगे आइए ना, कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं थी, वहाँ कैसे जीत गया, जवाब दो ना इस चीज का, जवाब दीजिए। सेटिंग किया हुआ सेटिंग है, चुनाव आयोग ने कहा था कि आके टेस्ट कर लीजिए, तो क्यों कोई आगे नहीं आया बताइए, कहा क्यों नहीं गया, क्यों नहीं आया कोई आगे टेस्ट करवाने, गया गया था, गया गया था नहीं बोलिए ना कि भैया जब से केजरीवाल ने बड़ी बड़ी कस्में खाई कि मैं लोकपाल लाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, बंगला ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, उसने तो अपने वो 2-2 लाख के पर्दे 45,000 करोड़ का, हमेशा दिल्ली में केजरीवाल रहेंगे, केजरीवाल ही रहेंगे। हाँ आप देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव मानते हैं कि भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और भाई केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे ना, ये मान लेते हैं ना, ये तो जनता तय कर देगी आने वाले विधानसभा लोकसभा में कि कौन जीतेगा, केजरीवाल जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे। तो केजरीवाल प्रधानमंत्री के दावेदार थोड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल मैं कहता हूँ दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलेगी उन्हें, आप लगा लो। हाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सीट भी नहीं आएगी, लोकसभा सीट नहीं आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए दिल्ली में, इन्होंने कहा था कि यमुना राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं, राहुल गांधी को तो छोड़ो, उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो नेता है कांग्रेस के भाई, मानते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाहते, उनकी बात ही बात, वो तो प्रधानमंत्री की रेस में हो सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं, वो तो न्याय यात्रा निकल रहे हैं, कभी कोई लोगों को तो न्याय दिला रहे हैं, नहीं नहीं हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा है उनसे, क्राइम किया जो हम लोग को न्याय दिला रहे हैं सर, हमने वो तो कह रहे हैं न्याय यात्रा निकाल दीजिए। सारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, उनसे पहले केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, तो आप ये मत कोई बोलिए कि ये लोग प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं है, केजरीवाल को आज अगर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रपोज कर दिया जाए राहुल गांधी को दौलत सबसे पहले यही मारेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, किस बारे में सर? सर 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 आप भी आगे आ जाए, क्या नाम है? कुछ कह रहे हैं, मैं अनुज गोयल। क्या लग रहा है 24 में किसको जिता रहे हैं, आगे आइए। वो तो अनडाउटली जो है, देखो सेंट्रल में तो बीजेपी ही आनी है। अच्छा। हमारे मोदी जी इस टाइम वर्ल्ड लीडर हैं, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के लीडर हैं आज वो, ठीक है उसमें तो अनडाउटली है। लोग तो चिल्ला रहे हैं यहाँ पर कि जो है अरविंद केजरीवाल नहीं बन जाए, ये हंसी ठिठोली करने का कोई फायदा नहीं है। और जहाँ तक केजरीवाल वाली बात है, ये तो दिल्ली में जो तबका फ्री का खाने का आदि बन चुका है, केवल वो ही केजरी करता है, यहाँ खड़ा हुआ जितना बच्चा है सब ये अपनी जेब से खाता है, इनमें से एक भी बच्चा ये नहीं कहने का कि केजरीवाल को मैं वोट देता हूँ या दूंगा,
बताओ भाई, हाथ उठाओ जो केजरीवाल को वोट देता है, दिखा दो जरा कौन हाथ वाथ उठा रहे हैं। देखिए वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, आज आई आप दे रहे हैं, ये भी देखिए केजरीवाल को वोट दूंगा। केजरीवाल ने काम करा है बहुत सारे, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। मैं आज क्या था, मैं पढ़ा 8 साल पहले स्कूल, सरकारी स्कूल में जब बारिश होती थी ना छठ फट के ना बारिश गिरती थी नीचे, और उसने काम करा है। और हॉस्पिटल कुछ कहना चाह रहे हैं, पक्के स्कूलों को तोड़ के नए स्कूल बनाए ताकि उसमें घोटाला करें, उसमें घोटाला कर सके। वो स्कूल नहीं बनाए, वो अपने लिए बनाए, पक्के स्कूलों को तोड़ दिए। देखिए केजरीवाल की यहाँ बात नहीं, मुद्दा 2024 का है और 24 पे रहना चाहिए, मुद्दा रहना चाहिए 24 पे। सरकार कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। और सुनिए, मंदिर बनाकर वोट ले रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने तो विकास के काम किए हैं, आज अस्पतालों को देख लिया जाए, आज पीछे महिलाएं भी हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी, स्वाति हूँ। हाँ, कुछ कह रहे थे आप पीछे से, बताइए। सर, अंधभक्त है मोदी जी के, केजरीवाल के। हाँ, और मैं कह रही हूँ ये फ्री में कब तक चलेगी बात, कोई ना कोई तो पे करेगा ही। हाँ, अगर गेहूँ किसी को फ्री मिल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी किसी को फ्री मिल रहा है तो पानी मिल रहा है, कोई तो पे कर ही रहा है ना उसके लिए। मुफ्त का कोई थोड़ा संतुष्ट नहीं है सरकार से, बिल्कुल नहीं है संतुष्ट सरकार से, बिल्कुल नहीं है। मतलब भाजपा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, बस इकोनॉमी में थोड़ी सी डाउन है। हाँ, और वोट आप किसको देने वाली है? सर, मैं तो नोटा डालूंगी। आप किसको वोट देने वाली है? मैं वोट नहीं दे रही, पॉलिटिक्स से दूर हूँ। तो फिर आप कैसा अपना वक्तव्य दे सकती हैं जब वोट नहीं दे रही है? क्या जो वोट नहीं देगा वो अपना वक्तव्य कैसे दे सकता है? तो वक्तव्य अभी तो वोटर आईडी बनी है 1 साल पहले, अभी तक दिया नहीं। तो आप संतुष्ट नहीं है काम? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को अयोध्या बहुत पसंद आया, जय श्री राम बोलूंगी। आर्टिकल 370 पसंद आया, पर इकोनॉमी में बहुत डाउन है, अभी बहुत टॉप करना है। आप भी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा आप भी आगे आके कुछ कह रहे हैं। अयोध्या में जो मंदिर बना है 14 किलोमीटर दूर तक घर तोड़े गए हैं, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे दिखाया है, वो क्यों नहीं लगाया? वो क्या तोड़े गए हैं? घर तोड़े गए कितने माह के हैं? और एक चीज, G20 में दिल्ली के अंदर घर तोड़े गए हैं, दिल्ली के अंदर कितने? अरे अरे मुझे रुक जाइए, जिसको घर तोड़े हैं उसको मुआवजा मिला ये पता किया है? मुआवजा, अरे जहाँ उसकी इच्छा है जहाँ रहने की, तुम वहीं से उसकी जान निकाल लो। 10,000 रुपए की अगर किसी की जमीन हो, सरकार अगर उस पे अगर कुछ बना रही है उसकी बदली उसे 1,00,000 रुपए दे रही है तो उसे छीनना कहते हैं या उसका प्रॉपर्टी? सुनो, आपका घर जैसे यहाँ पर है, आपके परदादे यहाँ से पहले। अच्छा सुन लीजिए, अरे मेरी बात, क्या नाम क्या बताया था? समीर बताया था। समीर मेरी बात, अरे समीर मेरी बात सुनो, आपने जब पहले ही कोई जगह घेर ली, अब मैं सीपी में यहाँ पे मकान बना लूंगा। ए रुक जाइए भाई साहब, अगर मैं इस जगह पे अपना मकान बना लूँ तो कल, ए रुक जाइए, अगर मैं यहाँ पर अपना मकान बना लूँ, अरे सुन लीजिए, 5 मिनट दे दो, 5 मिनट, 5 मिनट पूरा, बस 5 मिनट। आप देखने गए तक इनको मुआवजा मिला है? मैं 18 दिन रहा हूँ, आप रहिए, मैं रही 18 दिन। आप रियलिटी देखने गए थे, आप उनसे पूछने गए थे घर, 18 दिन मुआवजा मिला, हम कैसे मान लिया 18 दिन रह के आए? तो मैं तो पास में गया हूँ ना मैडम, मैं तो सुन के आया हूँ, लोगों को 10,000 रुपए वाली जमीन का 1,00,000 रुपए लोगों को मिला है, तो ये तो फायदा हुआ ना उनका। आप बोलने दे रहे हो। चलो ठीक है, वो आपने बोला मुआवजा दिया, हमें नहीं पता, वहाँ वाले से पूछेंगे, मैं उन्हीं से, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, 1400 जो 14 किलोमीटर तक के घर तोड़े गए देते हैं, तो अडानी जी का लोन क्यों माफ कराया? कितने गरीबों को माफ करा सकते थे हैं जो बेरोजगार हैं? हैं, माफ हो गया है। और एक चीज, G20 में जो यहाँ की झुग्गे हैं, पर्दे क्यों लगाए गए? झुग्गे भी तोड़ी गई हैं, वो क्यों दिख जाएगा? हिंदुस्तान की सच्चाई दिख जाएगी, क्यों दिखने देते हैं? दिखाते हिंदुस्तान की सच्चाई, दिल्ली राजधानी में भी ठीक नहीं करी इन्होंने, GDP गिरा के बैठ गए हैं, जो 5 साल पहले 100 रुपए का रियाल यहाँ पर चलता था। ऐसा कोई कंट्री बताओ, ऐसी कोई कंट्री बताओ जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में लोग नहीं रहते? गूगल करके बताओ। चलो, कितनी कंट्री घूमे हो? सुनो, अरे मेरे भाई, कितनी कंट्री गए आप ये बताओ? आपके सुनिए, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है ना, ठीक है, तो आप घर की सफाई करते हो, खिड़कियां साफ करते हो, ठीक है, अगर कोई कॉमन मेहमान आता है, ठीक है, अभी कोई तुम्हारे बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी आता है ना, तो आप घर की पुताई भी करवाते हो, नए टाइल भी लगाते हो। जब हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा इवेंट, अरे भाई सुन लो यार, सुनोगे सुनते नहीं हो भाई, जब कोई हमारे बाहर से
विदेश से हमारे देश में आ रहे हैं एज अ मेहमान, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें इंतजाम करके रखने पड़ेंगे ना भाई, क्यों से हम सब तो दिखाते चले कूड़ा हाँ, तो वही चीज है। और आप जो बता रहे हो ना अयोध्या में घर तोड़े गए, भाई आप वहां जाओ ना, मैं लखनऊ से अयोध्या हमारे से पता है कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है भाई, समझ में आया कि नहीं। हमारा मतलब मंथ में जाना होता है वहां पे, लोगों ने अपने हंसते हंसते लोगों ने अपने घर दे दिए, आपको पता है एक दो लोग जो होंगे एक दो परसेंट होता है। अरे सर आप बस बस यहाँ पे ना सुनो बस, सारे यहाँ खेल तेरा वीडियो का है बस, क्योंकि भाई यहाँ उठते ही ना सबसे पहले इंस्टाग्राम खुलेगा, फेसबुक खुलेगा और सारे जो है ना सब कुछ वहीं से जजमेंट होता है। या इंडिया पता है कैसा है इंडिया, अरे सुनो ना इंडिया की तुम्हें थिंकिंग बताते हैं ना यहाँ पे। अरे भाई कोई भक्त नहीं है मुझे, कोई नहीं था, मैं सुनिए मैं डांसर हूँ, मेरी 3 अकेडमी है, मैं एनजीओ चलाता हूँ और आपसे ज्यादा लोगों की मदद करता हूँ। सर्च करो ठीक है। अरे अच्छी बात है, जैसे तो सलमान खान भी करते हैं, क्या क्या अच्छी बात है, ये तो सलमान खान भी करते हैं तो फिर तो आप भी करो, हम भी करते हैं, क्या क्या मैंने कहा ऐसे तो सलमान खान भी करते हैं, वो भी क्या सीनियर डॉक्टर कहेंगे मैं एनजीओ चलाता हूँ। जतारो आप जतारो उन गरीबों को, आप तुम्हारा मदद किया कभी नहीं, तो ये तो इन्होंने हमारी ऐसे ही कैसे पता भाई, ऐसे ही बस जो लोगों ने बोला वो सुना तुमने वो मान लिया बस, तुम्हें कभी मदद किया है ऐसे ही, तो वैसे अयोध्या का जो घर टूटने वाली बात है बस सुनने वाली बात है तुम्हारी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सलमान भाई इनको तो मदद कभी किया नहीं है, तो ये अयोध्या में घर तोड़ने की वाला बात बताई, नहीं तो अयोध्या में घर तोड़ा गया, इन्होंने जो सुना वो बोल रहे हैं, वही फेसबुक वाली इंस्टाग्राम वाली कहानी है इनकी, और कोई बात है नहीं, वही फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली कहानी है इनकी, एक्चुअल तथ्य पे तो ये है नहीं, इन्होंने जो सुना वो बोले, अभी उतनी उम्र के हुए तो बोल के, मैं 18 दिन रह गया, मैं तो सबसे एक एक करके बात करके आया हूँ भाई, अब मैं किसको किसका घर जीता गया, मैं बता रहा हूँ मोदी जी के भाई 5 कम गिनवा दो बढ़िया वाले, लो मोदी जी के 5 कम, अच्छा कितनी बार गिनवाए जाएंगे, कितनी बार गिनवाए, अच्छा गिनवाने के बाद सिर, अरे तुम्हें क्या फायदा मिला, अरे यार तुम फायदा नुकसान की बात है ना यार, तुम मकान, अरे हम फायदा नुकसान के लिए कर रहे हैं क्या, क्या मिला? अरे भाई हमें जेन्युइन काम, अच्छा मोदी जी ने हमें कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने जो शौचालय बनाया गलत है, शौचालय तो क्या बातें कर रहे हो आप, अच्छा बातें कर रहे हो और लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं नहीं गलत बात, अभी बात ही सही नहीं कर रहे हो कि शौचालय से क्या होगा, ये कोई बात अलग काम नहीं कर रहे, नहीं नहीं सुनो सुनो पायलट अभिनंदन का नाम सुने हो, चाहते थे कि वापस आ जाए, मोदी की सरकार में मुमकिन हुआ, आ गया ना, अच्छा लगा खराब लगा पहले भी बताओ, ठीक है क्या देंगे उससे हमें क्या फायदा हुआ, नहीं नहीं, नहीं इनको फायदा चाहिए ना, दूसरा सुन सुन सुन, इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, अगर कोई भी पकड़ा जाएगा ना वहाँ पर तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है, बात करो दूसरी मैं बताता हूँ, दूसरी मैं बताता हूँ, कश्मीर में 370 हटा, पता है क्यों, क्योंकि भारत को सदस्यता यूनो में मिले, पता है तुम्हें, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, सदस्यता पता है कैसे मिलता है भाई, सदस्यता कैसे मिलता है पता है तुम्हें, सदस्यता कैसे मिलता है, अगर उस कंट्री में कोई भी एक क्षेत्र जो है वो उसमें विवादित ना हो तब वहाँ पे सदस्यता मिलती है, तो उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने 370 हटाया कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं है ऐसा विवादित जमीन, अब जिसको नॉलेज, एक बार बताइए, चलिए छोड़िए, आप वोट किसको देते हैं, मैं अभी मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, किसको देंगे, कांग्रेस से दूंगा, कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस में क्या क्या पसंद भाई, कांग्रेस में अभी मेरे को हिसाब से बहुत कुछ करा उसने, बहुत कुछ क्या 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 किया, बहुत कुछ करा भैया, कहना मैं वो बनाया हॉस्पिटल ले लो, बहुत पहले भाई सारा काम तो उनके बने हुए भाई, सारे काम उनके बने हुए, और तुम उस पर नीबी बहुत कर रहे हो, तुम उस पर नीबी 2014 से पहले पेट्रोल कितने का था, 2014 से पहले पेट्रोल कितने का था, 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए हर एक चीज सस्ता था, हाँ जी हाँ जी 14 में गूगल करके बताओ जरा, इतना भी था, था तो हवा में बातें करते हो यार, हवा में अभी 35 था 50-60 में आ गया, 13 में मेरे पास वेगनार कार थी 60-62 रुपए में पेट्रोल था मेरे भाई, अरे तो तुम 30-35 क्यों बता रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही